नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कृष्ण में आप सबका स्वागत है। आज का सवाल किशोर शेरवानी जी का। सर, उनके पास RCF X400 1000 वाट की दो बेस है, उसके लिए वो एम्पलीफायर चाहते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है। RCF की चलिए एक प्रोडक्ट आज को आपको दिखाने को मौका मिल रहा है। RCF बहुत अच्छा ब्रांड है, आप बोल सकते हो। स्पीकर में तो मस्त है, इसकी स्पीकर ले आए तो आपको जान आ जाएगी आपकी आउटपुट पे। बहुत सारे पी ऑडियो के स्पीकर हमने दिखाया था, लेकिन चलिए इनकी सवाल के हिसाब से प्रिसीशन ट्रांसड्यूसर LF18X400 ऊपर, ये सब ऊपर है तो बहुत ही अच्छा है। 4 इंच के और क्या बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका। चलिए उसका रिव्यू थोड़ा देख लेते हैं, देखने में कैसा है। तो ये है आपकी पूरी स्पीकर, देखने में आपको ऐसे दिखेगी, देख सकते हैं ऐसे दिखता है इसकी स्पीकर, और बहुत ही अच्छी इसकी डिजाइन है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं इसकी स्पीकर की पावर हैंडलिंग, तो उन्होंने बता दिया है 1000 वाट की स्पीकर है, जो कि 2000 वाट की प्रोग्राम पावर, मैं बोल रहा हूँ प्रोग्राम पावर अलग होता है, पीक पावर अलग होता है, और मतलब ये 2000 वाट तक झेल सकता, चल सकता है उतने में, लेकिन इसकी जो पावर है वो 1000 वाट है। 1000 वाट की स्पीकर है, इसको 2000 आप मत सोचिए, ये 1000 वाट का स्पीकर है। तो इसके लिए कौन सा एम्पलीफायर अच्छा रहेगा, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब मिला है तो ये थोड़ा देख लेते हैं इसको। तो दे डिज़ाइन तो इसकी वेरी स्ट्रेट है, कोन है, और इसमें आपको डुअल फोर्स एयर वेंटिलेशन मिल जाएगी। 18 इंच की स्पीकर है, जैसे हमने बताया कि पावर हैंडलिंग कैपेसिटी 1000 वाट लिखा है। इम्पीडेंस इसकी 8 ओम है। अब इसकी प्राइस थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। वॉइस कॉइल तो कॉपर है, और बाकी इसमें आपको सेरामिक की मैग्नेट्स मिल जाते हैं, तो 2 लेयर है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखिए 25 से 1000 हर्ज, बहुत अच्छा है। इसकी पंचेस बहुत अच्छी मिलेंगे। RCF की स्पीकर आपको आँख बंद करके ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, बहुत प्रिसिशन वर्क होता है इसमें, JBL के स्पीकर की तरह। ये भी बहुत अच्छा रहता है, इसकी जो ब्रांडिंग है, RCF की जो ब्रांड है बहुत अच्छा है। तो चलिए, किसी की एडवर्टाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं, सवाल पूछे हैं तो इसीलिए जवाब दे रहे हैं। तो चलिए, इसके लिए कौन सा स्पीकर आपको एम्पलीफायर आपको अच्छा रहेगा। बहुत सारे एम्पलीफायर आपको अच्छे रहेंगे, लेकिन मैं एक रिसेंट सा आप जो आपके सामने है वो बता देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे किसी से मोहब्बत है कि हाँ ये वाला मैं चलाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोग चलाते हैं उसी की इसको उसी में बजा के हम दिखाएंगे। चलिए देखते हैं थोड़ा। इसमें आप देखिए DJ 5001 है पावर एम्पलीफायर, जिसको हम बहुत बार हमने दिखाया है, जिसकी डिटेल में हम लोग बात किए हैं। देखिए यहाँ पे इसकी बैक पैनल देखेंगे तो वही हमने अभी अभी रिसेंटली इसकी सबवूफर सेटिंग बताया है। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं आराम से, और इसको आप इस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट भी कर सकते हैं, जितने बेस में आपको बजाना है उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते, क्योंकि 25 से ये आपको आगे देता है। तो आप जिस हिसाब से नॉब रखेंगे उसकी नीचे वाले फ्रीक्वेंसी आपकी स्पीकर में आएगी और बाकी ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी कट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सारे प्रोटेक्शन इसमें दी गई है, और 2 ओम पे भी काम कर सकता है। तो 2 ओम पे हमको चलाना नहीं है, दोनों साइड पे आपको 8-8 ओम को 2 लगा देना है। तो देखिए यहाँ पे 8 ओम पे ये आपको देगा ट्रू RMS 1200 वाट, ये 1000 वाट की है, तो इधर 1200 वाट, इधर 1200 वाट, और आराम से आप चला सकते हैं। चैनल एक में 1200, चैनल बी पे 1200 आप आराम से चला सकते हैं। यहाँ पे स्पीकर पे आप लगा दीजिए आउटपुट स्पीकर, यहाँ पे एक स्पीकर लगाइए, यहाँ पे एक स्पीकर लगाइए, तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। तो आराम से ये था, और यह वाइंडिंग पोल से चाहे तो आप लगा सकते हो, यहाँ पे वाइंडिंग पोल से भी यहाँ पे 8 ओम पे 1200 वाट, यहाँ पे एक लगा दीजिए 1000 वाट, तो आराम से ले लेगा और बहुत अच्छा इसमें बजेगा भी। और भी कोई आप एम्पलीफायर ले सकते हैं, क्राउन का ले सकते हैं, बाकी NX ऑडियो का भी MT सीरीज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। साउंड स्टैंडर्ड का भी आप ले सकते हैं। तो बस आपको यही सेटिंग देखना है, 8 ओम पे ये 1200 वाट से ज़्यादा जो जिसमें ले रहा है 8 ओम पे, क्योंकि 8 ओम का एक स्पीकर है चैनल पे, जो 1200 वाट से 1000 वाट से ज़्यादा ले रहा है उस हिसाब से आप एम्पलीफायर सिलेक्शन करिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी आप लीजिए, मैं बस इतना रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इसकी प्राइस जो बता देता हूँ, हमने बताया था कि 68,000 में ये 2 मिलता है पेयर, जिसका है मतलब 70,000 में 35,000 का एक अप्रोक्सीमेट आता है, 32 से 35,000, तो बहुत अच्छा रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। वीडियो कैसा लगा जरूर डिस्क्रिप्शन में आप लिख लीजिए, बता दीजिए कैसा लगा ये वीडियो। जय हिंद।